सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपके बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपना खुद का म्यूजिक बना सके और वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं FL स्टूडियो की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं एक अलग एप्लीकेशन की बात करूँगा जिसमें आप सिंगल क्लिक में बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना सकते हो, अपनी मनपसंद का म्यूजिक बना सकते हो। दोस्तों, यदि आपके पास हारमोनियम, पियानो, सिंथेसाइजर या फिर ड्रम, ऑक्टापैड कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास एक मोबाइल तो है ना, आप अपने मोबाइल से ही अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हो और उस म्यूजिक को शेयर कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो जनता के बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि हम खुद का म्यूजिक कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जिसका नाम है रीमैक्स। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें लॉग इन कर लेंगे फेसबुक के साथ, अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे लिखा रहता है क्रिएट, ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन और भी है स्टोर वाला। स्टोर का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप सबसे पहले क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ पर आप दबाएंगे गो, जैसे ही आप गो दबाएंगे आपका मोबाइल जो है पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका मोबाइल और इस तरह से ये एप्लीकेशन फाइनली खुल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये आपका ट्रैक होगा, ओके, और यहाँ पर आपको बीट मिलेगी, ड्रम की बीट मिलेगी, बेस मिलेगा, मेलोडी मिलेगी, वोकल मिलेगा और इफेक्ट मिलेंगे। अभी ये बात उसकी समझ में आएगी जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं लड़के, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि FL स्टूडियो में आपको म्यूजिक बनाना होता है, उसके लिए आप बीट ढूंढते रहते हो इधर उधर, लेकिन इस एप्लीकेशन में इनबिल्ड बीट आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, म्यूजिक बनाने के लिए आपको क्या करना है, सपोज कीजिए मैं ड्रम और बेस को मिलाकर म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ड्रम पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से इतने सारे म्यूजिक दे रखे हैं, ये इसको कोई से को भी आप सुन लेंगे पहले, ठीक है, मैं आपको सुना नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन म्यूजिक बना के उसको ज़रूर सुनाऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए मैंने ये पकड़ा और इसको पकड़ कर यहाँ पर छोड़ देना है अपने टाइमलाइन के ऊपर की साइड, ठीक है, पहले इसको सुन लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, जैसे आपको ये अच्छा लगा सुनकर, इसको आप इसके सामने ला के छोड़ देंगे, ओके। इसके बाद यदि आपका खुद का कोई वोकल है, वोकल आप यहाँ से ले सकते हो, ओके, या फिर आप खुद का वोकल बना सकते हो, ठीक है, वो वोकल बनाना बहुत आसान है, रिकॉर्डिंग करनी होती है डायरेक्ट ही बस, है ना, इफेक्ट यहाँ पर दे रखे डायरेक्ट। अब जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहले आप इसको जैसे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दबाया, ठीक है, तो इसको सुनिए ये कैसा लग रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर दबाता हूँ, हार्ड किट है ये हार्ड किट 1 है। अब जैसे हार्ड किट 2 लेनी है मुझे, हार्ड किट 2, ठीक है। इसके बाद मैं बेस की बात करूँगा, यदि बेस में मैं ये वाला लेता हूँ, ये पियानो का है ना। इसके बाद यदि मैं लेता हूँ यहाँ पर प्लक, तो प्लक की ऐसी आवाज आएगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ मेलोडी भी है, मेलोडी बजा कर दिखाता हूँ, है ना। तो मेन चीज़ है इसमें ड्रम, ओके, ड्रम का आपको ज़्यादा पसंद है म्यूजिक, तो यहाँ पर देख कितने चिच्छे इफेक्ट है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपली करना है आपको, यहाँ से इसको हटाना है और ऊपर के ला कर यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। अब जितने भी आप यहाँ से उठाएंगे और ऊपर की साइड लाकर छोड़ देंगे, अब वो आपको सेलेक्ट करना है अब कि आप किस तरह से जो है अपना म्यूजिक को बनाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है, देख लीजिए। तो ये मेरा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर करूँगा मैं। अब यहाँ से आपको तरह तरह की बेस मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो, अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हो, यहाँ पर अच्छे अच्छे इफेक्ट डाल सकते हो। यदि आपको FL स्टूडियो का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए तो ये बहुत ही जादुई एप्लीकेशन है, अदरवाइज आप यदि बिगनर है बिल्कुल ही, तो भी आप अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हो यहाँ से। और फाइनली जब आपका ये पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन दे रखा है, सेव के बटन पर जाएंगे और यहाँ से इसका कोई भी एक नाम डालकर, ओके, ABC कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे उसको सेव कर देंगे। दोस्तों, इस तरह से आप अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हो और उसको पब्लिश कर सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आप अपने मोबाइल से ही किस तरह से अच्छा म्यूजिक डेवलप कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।